आज दीपा श्रीवास्तव बच्चों को पिकॉक सिखाने जा रहे, जो सबसे इजी होता है। तो सबसे पहले आपको सी बनाना है, ये देख सी बना दिया हमने। फिर धीमे से इसको लेकर नीचे लाइन लेके आनी है, स्टॉप कर देना है। वापस यहाँ से इसको ऐसे लाना है, स्टॉप करना है। यहाँ पे हल्का सा थ्री डी या हार्ट शेप बना करके इसके ये वाले फैदर बनाने हैं आपको। इसके ये वाली लाइन आपको ऐसे ला करके यहाँ पर मिक्स कर देनी है। अगर पिकॉक का फैदर नीचे डालना है तो आप इसको नीचे खींचेंगे इस टाइप से। यहाँ से आपने ऐसे लाया, इसमें मिक्स कर दिया। ये छोटे बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर मोर लेस की जो साइन होती है वैसा आपको ऐसा बनाना है। बच्चे स्टैंडिंग में आते हैं तो उनको बोलना थोड़ा सा ऐसा बनाना है। यहाँ पर इसको डबल लाइन करनी है आपको, 1 2 3 1। इसको फिर से ऐसे लेना है, पीछे लेके आना है, 1 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे पिकॉक का चोच स्टेप से लेना है, यहाँ पे स्टेप ऐसे बनाना है उस। फिर इसके बाद इसको ऐसा लेना है, ठीक है, ये आंखें हो गई। फिर यहाँ पे स्टेप से लेना है, इस हार्ट ओवल शेप टाइप का ऐसा देना है, ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स की तरह डॉट लगा के इसको ऐसा करना है। मिडिल में ऐसे बच्चे इसके पीछे पीछे भी ऐसे बनाते रहते हैं, वो लॉन्ग है। इस टाइप से यहाँ लेना है, ये देखिए पूरे इसमें स्टेप्स आपको बनाते जाना है। पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, पक्षी है, और कृष्ण जी को ये बहुत प्रिय है, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ट शेप ऐसा लेना है, यहाँ पे देखिए हार्ट शेप ले लेना है, 1 2 3 इस टाइप लाइन खींचनी है। हार्ट शेप लेना है, स्टेप से आपको लाइन खींचनी है, सब में आपको हार्ट शेप बना लेना है। फिर इसके बाद इसको फैदर को स्टेप से लेना है, यहाँ पे ऐसे लाइन जाएगी, सारे फैदर्स में आपको स्टेप से लेना है। ये पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा स्टेप्स लेना है, ये ब्लैक एंड ग्रे रंग का रहता है, हल्का सा ऑरेंज रंग का लुक भी आता है, ठीक है। फिर आपको एक पिकॉक आपको स्टेप से बता दिया, दूसरा पिकॉक हम एक और बता रहे हैं, सी बनाना है। बैक आपको इधर लेके जाना है, आपको इधर से ऐसे लाना है, ऐसा कर देना है। इसका आप चाहिए तो ऊपर लेके जाइए, ये देखिए चोंच बना दीजिए। ऐसा लेग बनाइए, तीन लाइन से ऐसा खींच दीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको सेम ऐसे करना है, इसमें ऊपर रहेगा। ऐसे कई सारे पोज होते हैं पिकॉक के, तो आप को जो अच्छा लगे वो शेप बनाइए, क्योंकि रेनी सीजन में ही पिकॉक बारिश की को देखकर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, और ये कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि पिकॉक ने ही कृष्ण जी को राधा रानी को कृष्ण जी से मिलाया था, और इसलिए कृष्ण जी पिकॉक को बहुत पसंद करते हैं। इसके फैदर को हमेशा अपने घर में लगाते हैं, सर पर लगाते हैं। तो पिकॉक के फैदर को भी घर में वास्तु के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस टाइप से ये देखिए, ये पिकॉक हो गया। एक और हम दिखा दे रहे हैं आपको सी बना कर, छोटा पिकॉक, कभी कभी जगह कम होती है तो छोटा सा पिकॉक भी आपको बनाना पड़ता है। ये देखिए छोटा सा बना रहे हैं, इसके पंख नीचे पूरे नीचे झुके रहेंगे, ये देखिए पूरा नीचे झुक गया। इसको यहाँ से इसको मिक्स कर देना है, थोड़ी इधर से ऐसे पंख निकाल देने हैं। यहाँ पे वी बनाना है, ऐसे करना है, 1 2 3 1। इसके चोच स्टेप्स करने हैं। अब सबके फेस इस टाइप हो गए, अभी हम स्टेप इधर के फेस का बना दे रहे हैं। इधर से उल्टा सी बनाया आपने, इसको ऐसे लिया, टर्न किया, देखा आपने, वापस इसको ऐसा लेना है, यहाँ पे इसको ऐसे ये शेप कर देना है, यहाँ से वापस इसको मिक्स कर देना है। स्टेप्स थोड़ा निकाल दीजिए, ऊपर चाहिए तो ऊपर इसको घुमा के ऐसे ऊपर कर दीजिए, नीचे चाहिए नीचे इसको कर दीजिए। तो हम इसको नीचे करने कर रहे हैं,
ये देखिए ऐसा ले लिया, यहाँ पे इसका पैर स्टेप होगा, 1 2 3 1 1 2 3 1। अब इसमें ये छोटा होगा तो छोटे आपको छोटा सा शेप बनाने हैं, बड़े हैं तो बड़ा बड़ा बनाना है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये देखिए छोटे छोटे इसको बना रहे हैं। तो कभी कभी टॉपिक आता है कम ड्राइंग कंपटीशन में, बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री या फिर योर फेवरेट बर्ड, तो आप पिकॉक को भी बना सकते हैं ब्रांच पे बिठाया हुआ। तो ये हमने 3-4 आपको पिकॉक बता दिए हैं, ये देखिए 3-4 पिकॉक हमने दिखा दिए हैं। अब हम आपको पिकॉक के थ्रू एक सीनरी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, ये देखिए ऐसे ब्रांच दिखा देना है जस्ट अपने हाथ को हिलाते रहते, ठीक है। यहाँ से फिर से आपको पेपर आया, अपने हाथ को थोड़ा हिलाते रहना है, ऐसा लेना है, इस जगह पॉइंट लगानी है, बच्चे इधर से ऐसे लाते हैं, इसको इधर से ऐसे लेके जाना है, इधर ले लिया, एक ब्रांच इधर गई, वापस डॉट लगाना है, इधर ब्रांच जाएगी, ये ब्रांच इधर जाएगी, ये देखिए वापस हमने इसको ब्रांच कैसे लिया, डॉट यहाँ छोड़ दिया, डॉट लगाया, इधर जाएगा, इधर और डॉट और ब्रांच निकालनी तो आपको ऐसे ब्रांच निकाल देनी है, ठीक है। ये आपका ब्रांच हो गया, इस पर हम पिकॉक को बिठाएंगे, तो यहाँ पर सी बनाएंगे हम, इसको डक का ये चोज बना दिया, ये इस टाइप से शेप्स लेके आएंगे, इधर बैक लाएंगे, इसका ये वाला पोर्शन देंगे जो हार्ट शेप वाला पोर्शन है, पैर इसका दिखेगा नहीं, ये पंख इसके हो गए, कुछ पंख इसके ऐसे लटके रहेंगे पिकॉक के, और ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा नीचे तक लाएंगे हम, ये देखिए यहाँ से आप चाहिए एक और ब्रांच चाहिए तो एक और ब्रांच आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसका ही कलर ना करना पड़े तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे हम सनसेट दिखाएंगे, सनसेट के समय पिकॉक ब्रांचेस पे जाके बैठ जाते हैं, तो सनसेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक कमल की लाइन खींच देंगे, जैसे बहुत हल्का का बुशेस दिखाएंगे, बहुत दूर है बुशेस, इस टाइप से बहुत हल्का सा ड्राॅइंग इसको बना देंगे। यहाँ पर हल्की से रिवर दिखा देंगे, बहुत दूर से बह रही है क्योंकि यहाँ पर फोकस मेरा ज़्यादातर पिकॉक के ऊपर है। अब इसकी ये जो ये इस टाइप के ब्रांचेस हैं, ये हल्का कफ करते आना है, बड़े बच्चे अगर छोटे बच्चे भी ये सब देखते हैं तो उनको आइडिया आता है, स्कूल में हैंड पिकॉक हाथ से भी पिकॉक बनाना मैम ने सिखाती हैं। ये देखिए ऐसा हम करते आ रहे हैं, इसमें हार्ट शेप आपको लेना है, यहाँ पे इसके आईज बना देनी है, दो बनाना है तो एक आप यहाँ पे एक और दे सकते हैं, एक पिकॉक का पेयर दिखाने के लिए दो देना है तो आप यहाँ पे एक और पिकॉक बनाया। ये पीहन है, इसके पंख ज़्यादा नहीं होते हैं, ये इस टाइप से हो गए, इसके पंख जस्ट इस टाइप से होते हैं, ये ज़्यादा इसके पंख नहीं होते, इसका पंख हल्का सा इस टाइप से रहता है, तो आप इसका दो पेयर भी दिखा सकते हैं, दो बर्ड एक ट्री पर बैठे हुए हैं, इस टाइप से आप दिखाएंगे इसके पंख को, स्टेप्स ले लिया। अब यहाँ पे आपको ढेर सारी ब्रांचेस, ये देखिए हमने निकाल दी, अब इसके अंदर से हम लीफ बनाएंगे, ये देखिए ऐसा। तो ये ड्राइंग कंपटीशन में बहुत आता है टॉपिक, योर फेवरेट बर्ड या बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, आपका राष्ट्रीय पक्षी ड्रॉ करिए। अब इसमें आपने हल्के बड़े बड़े छोटे नहीं लेना है, ऐसे अच्छे से लीव्स ले लेनी है ताकि कलर करने में आपको इजी रहे। वाटर कलर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप स्ट्रोक्स दे करके कर सकते हैं, पर क्रियॉन से करने के लिए आपको लीव बड़ी बड़ी बनानी है ताकि आप प्रॉपरली इसमें कलर डाल सकें। इस टाइप से देखिए तो इस तरह से पूरे इसको हम लोग लीव से भर देंगे। ये ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत लगती है जब कलर हो जाता है। हम हल्का सा आपको कलर दिखा देते हैं, आप ब्लू कलर इसके अंदर, ये जो ये शेप है इसमें ब्लू कलर ले लीजिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा ब्लू का शेड कर दीजिए, पहले पीछे का बैकग्राउंड करना है उसके बाद आपको ये करना है,
और उसके बाद से आप हल्का सा ऑरेंज, पिकॉक में बहुत सारे कलर दिखते हैं, समझ में आता कौन सा कलर करा जाए, तो बहुत सारे कलर इसमें दिखते हैं। फिर आप पर्पल ले लीजिए हल्का सा, इसको ब्राइट करने के लिए आप ये कलर ले लीजिए सर। फिर इसको ग्रीन कलर लीजिए, इस ग्रीन से इसको ऐसा शेड दीजिए। एक कम करके दिखा रहे हैं, सब सारे को आप कीजिएगा, ये देखिए पंख के बाहर भी रहेगा इस टाइप से। इसके अंदर आप लाइट ब्लू डाल दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा सर। यहाँ पे हल्का सा ब्लैक का शेड्स, इसमें हल्का ऑरेंज का भी शेड रहता है कॉके फेदर में, इससे हल्का से वो फ्लाई करती है, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है पर फिर भी अपने लिए जितना उड़ना है वो उड़ लेती हैं। वृंदावन, मथुरा, राजस्थान और गांव में तो ये घूमती हुई दिख जाती हैं। ये देखिए ऐसा ऐसा आपको डाल देना है, आप लोग और भी अच्छा बनाएगा। तो पिकॉक कलर भी आप यहाँ डाल देंगे, ये देखिए इस टाइप से पिकॉक कलर भी डाल देंगे। नेक में भी आप इस टाइप से ले लेंगे, बच्चे नेक के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं मैम कौन सा कलर डालें, तो आप जस्ट इस टाइप से ये लेते जाइए। फिर इसके बाद से ग्रीन कलर ले लीजिए, जितने कलर जैसे पिकॉक पिजन के भी नेक बहुत झलमल झलमल करते हैं, तो आप इसमें बहुत सारे मल्टी कलर ग्रीन ब्लू के शेड सब डाल सकते हैं। इसके बाद हल्का सा हम ब्लू कलर भी लेंगे, पिकॉक ब्लू से ही इसकी आउटलाइन करेंगे। तो लाइट ग्रीन भी डालेंगे हम, तो कहीं पे भी कलर वैसा दिखना ही चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए इतना इनफ रहता है क्योंकि वो ज़्यादा कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी वाइट कलर हमको नहीं दिखाना है सर, ठीक है। इस टाइप से आप लेंगे, फिर अच्छे से जब कलर हो जाएगा पूरा तो हम इसको ऐसा आउटलाइन कर देंगे। इसमें ग्रीन भी लगाएंगे, पिंक भी लगाएंगे, पिकॉक कलर करने मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। इस टाइप से देखिए डालते जाना आपको, ठीक है। ये हम हल्का सा बता दिया आप सारे फैदर को कैसे कलर करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन खींच के हल्का दिखा दे रहे, ये लाइन खींचना है आपको जिससे लैंड और स्काई डिवाइड होगा, ये स्काई हो गया, ये लैंड हो गया। इसमें हल्का सा बुशेस स्टेप से आपको करने हैं, बहुत दूर है इसलिए बहुत छोटा दिखाएंगे इसको। आप लाइट ग्रीन हल्का डालेंगे, स्क्रिबलिंग करेंगे कलर को, बच्चों को बोला ऐसा नहीं डालेंगे, ऐसा करते हैं बच्चे, स्क्रिबलिंग झाड़ है इसलिए आपको ऐसा स्क्रिबलिंग करना है। यहाँ पे भी हल्का हल्का कलर शेड्स ऐसा दे देना है, ज़्यादा कलर को प्रेस नहीं करना है आपको, स्टेप से लेना हल्का सा। सनसेट हो रहा है इसलिए हमका हमको डार्क शेड लेना पड़ेगा, सनराइज होता तो हम इसमें येलो कलर मिलाते हैं। यहाँ पे हम ब्लू कलर लेंगे, इसमें हल्का ऑरेंज का भी शेड हम डालेंगे क्योंकि सनसेट हो रहा है तो इसमें ऑरेंज का थोड़ा सा लुक आएगा स्टेप से पानी में। तो आप स्टेप पर ध्यान दीजिए करके, वाटर और रिवर में कोई कलर नहीं होता है, जो स्काई का कलर रहेगा सेम वही कलर हमको पानी में दिखता है। तो ये बड़े बच्चे इस बात का ध्यान दें, छोटे बच्चों को तो हम नहीं कर सकते ये चीज़ें, बड़े बच्चों को इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। हल्का सा ब्लू कलर भी हम टच करेंगे,
एक साइड, यहाँ से भी हम ब्लू कलर टच करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। स्लीपिंग आपको ऐसा लेना है, ठीक है। ये देखिए स्टेप्स हम सैप ग्रीन ले लिए, ये देखिए, ठीक है। स्टेप से इसमें भी हल्का से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे ग्रास बना देंगे। जो बच्चे नहीं आता वो ड्राइंग बना अकेले खुद से बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, और जिनको आता है वो डायरेक्ट कलर से, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना हमको, तो इस पर हम डायरेक्ट इससे ऐसे करते जाएंगे। सनसेट हो रहा है तो हम इसमें पर्शियन ब्लू भी थोड़ा मिलाएंगे, ये देखिए पर्शियन ब्लू भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस में, यहाँ पे स्टेप से आप ब्राउन, डार्क ब्राउन यूज करेंगे, ये देखिए स्टेप से लेके हम हल्का कैसा लाइन दे देना चाहिए, जैसे रूट्स में ये आपके ब्रांचेस में रहता है, ये ऐसा आपको कर देना है। इस जैसे ये जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस की लाइन है उस जगह पे आपको स्टेप से देना है। हल्का सा ब्राउन, हल्का सा ब्लैक कलर, हम ब्लैक कलर से मना करते हैं, उसकी जगह पर्शियन ब्लू मिलाना चाहिए, पर आजकल के स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं स्कूल में मैम टीचर ने ब्लैक से आउटलाइन करवाया और मुझे नंबर कम मिला क्योंकि हमने ब्लैक से आउटलाइन नहीं किया है। तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि अगर तुम्हारे स्कूल में ब्लैक कलर यूज़ होता है तो आप यूज़ करो, पर मेरे ड्राइंग क्लास में हम ब्लैक कलर नहीं यूज़ कराते हैं, हम उसके जगह पे पर्शियन ब्लू, क्योंकि आर्ट में हम लोग ब्लैक कलर को नहीं यूज़ करते हैं। ये देखिए हमने पर्शियन ब्लू लगाया तो ऑटोमेटिक इससे ब्लैक का लुक आ ही जाता है, ये देखिए। और हम हमेशा डार्क से आउटलाइन करा के लाइट कलर डलवाते हैं, पर स्कूल में मैम बोलती ब्लैक से आउटलाइन करके फिर कलर डालो और या फिर कलर कर लो फिर ब्लैक कलर डालो, तो हम फिर हमको बोलना पड़ता है कि जैसा आपके स्कूल में कहा जा रहा है वैसा आप कर लो, और क्योंकि बच्चों के नंबर कम आएंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम फिर बोल देते हैं जैसा आपकी मैम कहती हैं वो आप मान लीजिए, बट जब कभी वैसे बनाना हो तो मत डालिएगा। देखिए स्टेप से पूरा ब्रांच आपको ले लेना है, स्टेप से सैप ग्रीन ये वो डाल करके यहाँ पे भी आपको स्काई, पहले स्काई कर लेना है तब लीफ को कलर करना है, इसलिए मैं दिखा दे रहे हैं। पहले हम स्काई हल्का सा कलर कर दे रहे हैं, बच्चे पहले पूरे पीछे के बैकग्राउंड करने के बाद ही तब कलर करना है, और इसके बाद से हम इसमें डार्क ग्रीन डालेंगे, डार्क ग्रीन और हल्का सा लाइट ग्रीन टच कर देंगे सारे लिप को। आपको ऐसा कलर करना है, सन में भी आप ऑरेंज डाल देंगे, सनसेट हो रहा है इसलिए मैं बहुत बड़ा दिख रहा है, और इसको भी कर ली इसके ऐसे सर्कल में कलर करना है हमको, ऐसा करते हुए बढ़ते जाना है। कभी कभी काफ़ी बड़ा हम खींचते हैं कि सन पीछे सनसेट हो रहा है, दोनों पिकॉक बैठे हैं, तो फिर हमको हर चीज़ बहुत डार्क दिखती है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर बनाया इसको, ठीक है। हल्का सा आप ऑरेंज भी येलो भी मिक्स कर लीजिए, हल्का सा मरून कलर भी डाल दीजिए, लाली माल का क्लाउड, क्लाउड में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑरेंज का क्लाउड कैसे हो गया, जो सन की रोशनी से, क्लाउड तो अगर वाइट रंग का है बट सन की रोशनी से वो क्या दिखने लगता है, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर और ग्रे कलर, बारिश के मौसम में ग्रे दिखता है, स्काई ब्लू होता है, बादल ब्लू रंग का नहीं होता है, क्लाउड ब्लू रंग का नहीं होता है, ये चीज़ को बच्चों को हमको बार बार समझाना पड़ता है। इस टाइप से आप पूरी ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक है। ये मरकज आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये पूरा ऐसा करके कलर करके। तो आप इस वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए।
थैंक यू आज की वीडियो के लिए।